गाइस वेलकम बैक टू नेताज वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज के ये वीडियो हिंदी में होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ नई रेसिपी, तो देखते रहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये रेसिपी को बनाने के लिए इस तरह से हमें छोटी मिर्ची चाहिए। छोटी मिर्ची को अच्छे से धोकर कट करके मैंने इसे फ्राई कर लिया है, और आलू को भी अच्छे से कट करके फ्राई कर लिया है। तो अभी ये देखिए, कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल डालकर बारीक कटी हुई प्याज और हरी मिर्च डाल दी थी। हल्दी नमक के साथ इसे हम फ्राई कर रहे हैं अभी। तो जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा, इसमें हम डाल देंगे टमाटर। तो ये देखिए, बारीक कटी हुई टमाटर मैंने इसमें डाल दिया है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जब तक हमारा प्याज टमाटर सब सॉफ्ट होता है, तब तक इसे हमें भूनना है। तो ये देखिए, टमाटर प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है। इसी टाइम पे यहाँ मैं भी डाल दूँगी सरसों। तो सरसों बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस एक चम्मच के करीब मैं यहाँ डाल रही हूँ सरसों। तो यहाँ सफ़ेद और काली सरसों दोनों को मैंने मिक्स करके थोड़ी सी नमक डाल के और थोड़ी सी मिर्च डालकर पेस्ट बना लिया था, तो उसी पेस्ट को मैंने यहाँ डाल दिया है। तो इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे सब मसालों के साथ। उसके बाद यहाँ मैं डाल दूँगी पानी। तो ये देखिए, मसाला फ्राई हो चुका है। इसमें मैं डाल रही हूँ जो सरसों की जो पेस्ट मैंने रखी थी जो कटोरी में, उसी कटोरी को अच्छे से धोकर मैंने वहाँ पर पानी डाल दिया। तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है हमें। तो ये देखिए, पानी में उबाल आने लग गई है। इसी टाइम पे यहाँ जो आलू और मच्छी हमने फ्राई करी थी, उसे हम यहाँ डाल देंगे। डाल करके अच्छे से मिला लेंगे और हाई फ्लेम में कुछ देर से पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए, कुछ देर बाद ये देखिए, पानी जो हमने डाली थी वो सारी ड्राई हो चुकी है। और इसी टाइम पे यहाँ मैं डाल दूँगी धनिया पत्ता, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये एक बंगाली डिश है और इस डिश का नाम है माछेर कुड़ू। तो आई होप आप सबको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये रेसिपी को चावल के साथ ही खाया जाता है और बहुत टेस्टी लगती है। तो इसे ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही कम चीज़ों में बनने वाली एक रेसिपी। तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तो लाइक कीजिए, और अगर अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए कि क्या कमी है इस वीडियो में। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।